नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जनवरी के जो भी करेंट अफेयर्स हैं अब तक के 10 तारीख तक के, जो कि आने वाले आपके RRB CB2 एग्ज़ाम के लिए, रेलवे RPF के लिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है तो उसमें आपको 2 से 4 दिन पहले तक का करेंट पूछ देते हैं। तो ये हम लोग कवर करेंगे 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का। ये पार्ट 1 रहेगा और आने वाले दिनों में पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट में मैं आपको ये दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ द 22nd इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस? किस सिटी में आयोजन ये होगा आपका 42nd इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस? तो ये आपका होगा कहाँ, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है आपका, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड एज द ICC वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? किस महिला खिलाड़ी को वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 के लिए नामांकित किया गया है ICC के द्वारा? तो ये आपका है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है आपका, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ रिसेंटली गॉट RBI नॉट टू ऑपरेट एज ए शेड्यूल बैंक। द हेडक्वार्टर ऑफ ईसेफ इज लोकेटेड एट? तो ये जो ईसेफ है बैंक, वो RBI के द्वारा इसको ऑपरेट करने के लिए, शेड्यूल बैंक ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस मिला है, अप्रूवल मिला है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर इसका त्रिशूर में है। नेक्स्ट है आपका, हु इज द न्यूली अपॉइंटमेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? CIC के चेयरमैन कौन अभी सेलेक्ट हुए हैं? तो ये आपका सुधीर भार्गवा। नेक्स्ट है आपका, नॉर्मन गिम्बेल द ऑस्कर एंड ग्रैमी विनिंग लिरिस्ट हैज पासड अवे, ही वाज फ्रॉम हिज कंट्री? तो ये है आपके यूनाइटेड स्टेट्स से। नेक्स्ट आपका, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू क्लेम 20 कैच इन टेस्ट सीरीज? इनमें से कौन सा है वो विकेट कीपर है जिन्होंने टेस्ट सीरीज में 20 कैच, टेस्ट मैच सीरीज में 20 कैच लिया? दिनेश कार्तिक, MS धोनी, ऋषभ पंत। तो ये आप लोगों को पता होगा रिसेंटली ऋषभ पंत ने लिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसजेंडर कैन वी फाइल सेक्सुअल हरासमेंट केस अंडर विच सेक्शन? जो भी ट्रांसजेंडर है अगर उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो किस IPC के किस सेक्शन के तहत वो केस दर्ज कर सकते हैं? तो ये है आपका 354A। नेक्स्ट है आपका, विच टोल फ्री हेल्पलाइन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द NHRC टू फाइल कंप्लेंट थ्रू CSC? तो ये है आपका 1443। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड 2019 एज द ईयर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ वाइडर बिजनेस विद इंडिया? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये 4 कंट्री में कौन है जो कि अनाउंस किया है ईयर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट? तो ये आपका है उज्बेकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कमिटी दैट सजेस्टेड AICTE टू स्टॉप सेटिंग अप न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम 2020? कौन सी वो कमेटी है जो सजेस्ट किया है AICTE स्टॉप सेटिंग नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए 2020 से, नया मतलब नहीं खोलने के लिए, टू स्टॉप सेटिंग अप, 2020 से नया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला जाएगा? तो ये किस कमेटी ने सजेस्ट किया है AICTE को? तो ये किया है BVR मोहन रेड्डी कमेटी ने। नेक्स्ट आपका, इसरो हैज लॉन्च विच इनिशिएटिव विथ स्टूडेंट टू इंगेज देम ऑन स्पेस साइंस एक्टिविटीज? स्पेस, संसद, संवाद, संघर्ष? तो ये आपका होगा संवाद। नेक्स्ट आपका, हु हैज टेकन चार्ज एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली बार फॉर्म हुआ है आपके हु हैज टेकन चार्ज एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट? TB राधा कृष्णन।
ये क्वेश्चन पे थोड़ा मुझे भी डाउट है, ये तेलंगाना होगा या आंध्र प्रदेश होगा, मैं ये कमेंट सेक्शन में बता दूंगा बाद में करेक्शन करके। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते क्या है। विच स्टेट वुमेन हैज रिसेंटली फॉर्म्ड 620 किलोमीटर लॉन्ग वॉल टू अपलोड जेंडर इक्वलिटी, तो ये है केरला। नेक्स्ट आपका, हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है, तो माइकल टेमर, फर्नांडो हेडेड, जेयर बोल्सोनारो एंड हैमिल्टन मोरो मोराओ, तो ये है आपका जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फ्लोविंग कंट्रीज हैव ऑफिशियली क्विट यूनेस्को, इनमें से कौन सा कंट्री ने ऑफिशियली घोषणा कर दी है क्विट करने के लिए, निकलने के लिए, रशिया एंड कतर, जापान एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल, ईरान एंड कतर, तो ये किया यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल ने, यूनेस्को से वो बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इंडिया हैज कट इम्पोर्ट टैक्स ऑन क्रूड पाम ऑयल सोर्स फ्रॉम एशियन नेशन फ्रॉम 44% टू, जो भी इंडिया जो इम्पोर्ट करती है क्रूड ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, वो एशियन नेशन से वो उन्होंने 44% से कम करके कितना कर दिया है, तो ये कर दिया 40%। नेक्स्ट आपका, हु इज द रेसिपियंट ऑफ द 2019 नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड, ये तो नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2019 का किसे मिला है, तो ये आपको मिला है अनिंदिता निगोय अनाम को। नेक्स्ट आपका, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो यूनियन गवर्नमेंट है लॉन्च किया उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, तो ये किसमें किया, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और हरियाणा, तो ये किया है उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका, फेमन बेल्ट फिक्स्ड लिंक विच इज द न्यूज रिसेंटली इज द प्रपोज टनल टू कनेक्ट आईलैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये आपका ऑप्शन देखिए क्या, डेनमार्क एंड जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, यूके एंड स्पेन, ब्राज़ील एंड चिली, तो ये आपका आंसर है डेनमार्क एंड जर्मनी। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, सतीश जैन, आशीष कुमार, विनोद कुमार यादव, पूजा बडोला, तो ये आपको किया गया है विनोद कुमार यादव, वीके यादव। नेक्स्ट आपका, विच यूरोपियन कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस गाफा टैक्स ऑन ग्लोबल इंटरनेट टेक्नोलॉजी फर्म, स्वीडन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, तो ये लगाया है फ्रांस ने। नेक्स्ट आपका, विच इंडियन बॉलर हैज बिकम द हाईएस्ट इंटरनेशनल विकेट टेकर इन 2018, 2018 में हाईएस्ट इंटरनेशनल विकेट टेकर कौन है, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अरविंद चंद अश्विन, तो ये अभी रिसेंटली ही हुआ है, ये जसप्रीत बुमराह है। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द 106th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, जो अभी इंडियन साइंस कांग्रेस आपका जालंधर में आयोजित हुआ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, उसका थीम क्या था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्या है। रीचिंग द अनरिच्ड थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये है आपका फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में उम्मीद है कि ये पूछेगा ही। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड मर्जर ऑफ विजया बैंक एंड देना बैंक विथ बैंक ऑफ बड़ौदा, इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू व्हाट वुड द रैंक ऑफ कंबाइंड मर्जर, ये जो तीन बैंक का मर्ज हो रहा है, मर्जर हो रहा है, बड़ौदा बैंक में मिला दिया जा रहा है यूनियन बैंक और विजया बैंक को, तो जब ये तीनों बैंक मिल जाएंगे तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इनका रैंक क्या होगा मार्केट में, तो ये आपका रैंक होगा थर्ड। नेक्स्ट है आपका, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट टू रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन, कौन से अमेंडमेंट को इन्होंने अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने टू रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के लिए, तो इन्होंने किया है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। नेक्स्ट है आपका, द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज एन ऑथोराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोविंग स्टेट, तो ये वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है,
दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। नेक्स्ट आपका जस्टिस ए के सिकरी हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। विच ऑफ द फ्लोबिंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नालसा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा नालसा का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन, ऑर्गेनाइज लोक अदालत, डील्स विद द ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू आरटीआई रिक्वेस्ट। तो ये है आपका डी, डील्स विद द ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू आरटीआई रिक्वेस्ट। ये नालसा का फंक्शन नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु इज द हेड ऑफ द आरबीआई पैनल ऑन एमएसएमई रिवाइवल, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज रिवाइवल के लिए आरबीआई का पैनल का हेड किन्हें बनाया गया है। तो यूके सिन्हा, राम मोहन मिश्रा, बिंदु अनंत, अभिमान दास। तो ये है आपका यूके सिन्हा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कवि सम्राट उपेंद्र वांजा नेशनल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर। किन्हें दिया गया है कवि सम्राट उपेंद्र वांजा नेशनल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट लिटरेचर के लिए। तो ये दिया गया आपको मनोज दास को। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कृषक बंधु स्कीम टू एड्रेस फार्मर डिस्ट्रेस। कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है कृषक बंधु स्कीम टू एड्रेस फार्मर डिस्ट्रेस। उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये किया आपका वेस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है। तो यजाज जैन है, कुलदीप सक्सेना, हेमंत भार्गवा, सौरभ कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा सौरभ कुमार। नेक्स्ट है द थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड हॉस्टेड बाय भिज यूनियन मिनिस्ट्री। ये जो तीसरा नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा होस्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये किया गया आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द 2018 वर्ल्ड ब्रेल डे वाज ऑब्जर्व रिसेंटली। ये वर्ल्ड ब्रेल डे है वो कब, किस डेट को रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया। तो ये है आपका 4 जैन को। नेक्स्ट है आपका द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब्स विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। ये जो अरुणाचल प्रदेश का ट्राइब है उनको लिस्ट मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये अरुणाचल प्रदेश के जो क्या क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, एक बिल इंट्रोड्यूस किया किस लिए, टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल ट्राइब का उसको लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश। तो ये कौन सा ट्राइब है उसका नाम बताना आपको, मिसिमी, कमान, इडू, तराओ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों है। सॉरी। नेक्स्ट आपका हु हैज बीन कंफर्ड विद द ISRS नेशनल जियोस्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सलेंस 2017। LTA अवार्ड इन शॉर्ट बोलते हैं इसको। तो वो किन्हें मिला है, जयंता कुमार घोष, मनोहर रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी एंड पोन राधाकृष्णन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जयंता कुमार घोष। नेक्स्ट आपका विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द 2019 इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल। तो ये जो पैनोरमा फेस्टिवल होगा 2019 में वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एक्टिंग चेयरमैन ऑफ LIC के एक्टिंग चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ये किया गया आपका हेमंत भार्गवा को। नेक्स्ट है आपका CH लोकनाथ हु पासड अवे रिसेंटली वाज द वेटरन स्टेज एंड सीने आर्टिस्ट ऑफ विच लैंग्वेज। ये CN लोकनाथ जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया, वो वेटरन
स्टेज एंड सिने आर्टिस्ट थे वो किस लैंग्वेज में काम करते थे? तो ये करते थे आपका कन्नड़ा में. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोविंग स्ट्रक्चर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 2018 बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये है आपका आंसर. क्या है? निमारना बावरी इन राजस्थान, हवेली ऑफ आगा खान इन आगरा, ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग इन नागपुर. तो ये आपका तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आसिफ सईद खोसा को. नेक्स्ट है आपका द ट्रॉपिक साइक्लोन पाबुक. ट्रॉपिकल साइक्लोन पाबुक हैज रिसेंटली अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. ये जो हाल ही में पाबुक जो साइक्लोन आया था वो कौन से कंट्री में आया था? तो यह था आपका थाईलैंड में. ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं आजकल बहुत ही फ्रिक्वेंटली. साइक्लोन अभी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में आई थी, अभी ये देखिए थाईलैंड में. तो इसका नाम ध्यान रखिएगा पापुक. नेक्स्ट है आपका द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन नॉट फॉर सेंटर फॉर क्लासिकल लैंग्वेज इन विच सिटी ऑफ केरला. तो यह है तिरूर. नेक्स्ट है आपका अंडर द राइट ऑफ एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2018 विच ऑफ द फ्लोविंग मेजर्स आर द टेकन बाय द पार्लियामेंट. तो कौन सा लिया गया? तो ये है आपका टू एबलिश नो डिटेंशन पॉलिसी टिल क्लास 8, इनेबल स्टेज गवर्नमेंट टू अलाउ स्कूल टू फेल अ स्टूडेंट, प्रोवाइड रेगुलर एग्जामिनेशन इन क्लासेस 5 to 8. तो ये आपका तीन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट इनटू लॉ. तो ये किसने साइन किया? ये किया यूनाइटेड स्टेट ने. नेक्स्ट है आपका विच इंडियन माउंटेनियर हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटेड टू स्केल अंटार्कटिका हाईएस्ट पीक. तो वो कौन है? तो ये है आपका अरुणिमा सिन्हा. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोविंग हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ये जो देखिए क्या होता है, लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स और इस तरह का कंपनी जो चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है आपका HDFC म्यूचुअल फंड. नेक्स्ट है आपका विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउड कस्टोडियल सर्विस इन कमोडिटी मार्केट. तो ये किसे मिला है, किसने दिया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउड कस्टोडियल सर्विस इन कमोडिटी, ये सेबी ने किया है. नेक्स्ट है सेबी आपका सेंट्रल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, जो ये सब रेगुलेट करते हैं. नेक्स्ट है आपका देवेंदु पलित हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिनॉन राइटर ऑफ हिज लैंग्वेज. ये देवेंदु पलित जो थे वो रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गए, वो राइटर थे जाने माने, वो किस लैंग्वेज के थे? तो ये थे बंगाली के. नेक्स्ट है द ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2018 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फ्लोविंग सिटीज. ये जो ग्लोबल हेल्थ केयर समिट है 2019 का वो किस सिटी में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका हैदराबाद में. नेक्स्ट है आपका विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ 18th नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019. जो 18th नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन है जो 2019 में होगा, तो ये कहाँ किया जाएगा आयोजित? ये किया जाएगा आपका कटक. कटक कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में. नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोविंग रेलवे जोन्स हैज लॉन्च्ड मोबाइल ऐप टू हेल्प पीपल नेविगेट थ्रू प्रयागराज सिटी ड्यूरिंग कुंभ मेला. कुंभ मेला के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया जो नेविगेशन के लिए बताएगा. तो ये कहाँ है, किसने किया है? तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने किया है. नेक्स्ट आपका विच स्टेट हैज स्टॉप्ड ACI ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EDB इंडेक्स 2018. तो ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने. नेक्स्ट आपका हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बिजनेस टाइकून टू बी नेम्ड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर
आर्थिक भगोड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये किस कौन है, तो ये आपका विजय माल्या जी हैं। नेक्स्ट है आपका विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली ओपन वेस्ट एशिया लार्जेस्ट कैथेड्रल इन इट्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो ये किसने किया है, इजिप्ट ने। नेक्स्ट है आपका रानी हु हैज बोर्न गोल्ड इन 78 केजी कैटेगरी एट ए सीनियर नेशनल वोमेन जूडो चैंपियनशिप 2019 इज द लेडी हेड कॉन्स्टेबल ऑफ विच स्टेट, तो ये किस स्टेट के हैं, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द थीम ऑफ 27th न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 2019 में 27वां वर्ल्ड बुक फेयर, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है रीडर विथ स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू रेट 3 लाख फॉर वोमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप, कौन से राज्य ने घोषणा की है 3 लाख तक वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने के लिए जो कि इंटरेस्ट फ्री रहेगा, तो ये किया है उड़ीसा ने। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग जर्नलिस्ट हैज बीन कॉन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द मंत्रालय एंड विधि मंडल वर्तहार संघ, ये मिला है दीनू रैंडीव को। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट टू रिवाइव मिथिकल सरस्वती रिवर, तो ये है आपका हरियाणा। नेक्स्ट है आपका हु हैज हेड ऑफ द हाई लेवल कमिटी टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज सिक्स ऑफ आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985, तो ये है आपका एमपी बेजपुरा। नेक्स्ट है आपका द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए रिजर्वेशन एट विच परसेंटेज फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो पता ही होगा, बहुत रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में है, तो ये 10% जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट में है उनको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपका विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड MOU विद समीर फॉर रिसर्च इन कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड सर्विलेंस, तो ये किसने किया है, ये किया है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका हु इज द हेड ऑफ टास्क फोर्स टू लुक इनटू द सुसाइड्स ऑफ जेएनवी स्टूडेंट्स, तो ये आपका जितेंद्र नागपाल। नेक्स्ट है हु इज द रिसिपियंट ऑफ द रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, तो ये अवार्ड किन्हें मिला है, तो ये मिला आपका एस विजय कुमार को। विच कंट्रीज टीम हैज क्लिंच्ड द 2019 हॉपमैन कप टाइटल, हॉपमैन कप टाइटल 2019 का टाइटल किसने जीता, तो ये आपका जीता स्विट्जरलैंड जहाँ के रोजर फेडरर हैं। नेक्स्ट है आपका विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2019 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया जा रहा है तो ये आपका किया जा रहा है पुणे में, और ये सेकंड है पहला कहाँ किया गया था, तो ये आपका किया गया था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका द यूनियन गवर्नमेंट हैज अमलगमेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग रीजनल रूरल बैंक इनटू सिंगल RRB, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये रीजनल रूरल बैंक को मिला दिया गया एक सिंगल RRB, तो वो कौन कौन सा है, तो ये है आपका पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक एंड सतलज ग्रामीण बैंक, अब ये तीनों मिला के एक सिंगल RRB रीजनल रूरल बैंक बना दिया जाएगा, ये बैंक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और भी अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका विच इंडियन ऑरिजिन पर्सनालिटी है ज्वाइंड IMF एज द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट, कौन है वो जो इंडिया से इंडियन ओरिजिन की हैं जिन्होंने IMF में फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में ज्वाइन किया है, तो वो हैं आपके गीता गोपीनाथ जी। नेक्स्ट है आपका विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ ऑल इंडिया रेडियो नेशनल पोएट कॉन्फ्रेंस 2019, ये 2019 का ऑल इंडिया रेडियो पोएट कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका चेन्नई में। नेक्स्ट है आपका द पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 हैज स्ट्राइक आउट विच डिजीज एज ए ग्राउंड फॉर सीकिंग अ डिवोर्स, तो ये आपका लेप्रसी। नेक्स्ट आपका विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ
रायसीना डायलॉग, ये फोर्थ एडिशन रायसीना डायलॉग स्टार्ट हुआ है, वो किस सिटी में हुआ, तो आपका न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फर्स्ट एवर ग्लोबल एविएशन समिट, ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एवर ग्लोबल एविएशन समिट, तो इसका थीम क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल। नेक्स्ट आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, जिसको SSB हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, उसके न्यू डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये है आपका कुमार राजेश चंद्रा। नेक्स्ट आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मोनार्च ऑफ मलेशिया टू रिजाइन बिफोर कम्प्लीटिंग टेन्योर, तो उन्होंने अपना टेन्योर कम्प्लीट होने से पहले रिजाइन कर दिया, तो ये है मोहम्मद वी। नेक्स्ट है आपका, विच ग्रेडिंग इंडेक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय HRD मिनिस्ट्री टू एसेस क्वालिटी टू स्कूल एजुकेशन इन स्टेट, तो ये आपका सी 17 पॉइंट। नेक्स्ट आपका, ऑन विच डेट द 2019 नॉन रेसिडेंट इंडियन डे इज ऑब्जर्व रिसेंटली, तो ये कब किया गया, 19 जनवरी को। नेक्स्ट है, हु इज़ द हेड ऑफ RBI पैनल ऑन डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के लिए RBI पैनल का हेड किन्हें नियुक्त किया गया, तो ये किया गया नंदन नीलकेनी जी को। नेक्स्ट है आपका, विच इंडियन पेवेलियन हैज वन द एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट 106th इंडियन साइंस कांग्रेस, तो ये इंडियन पेवेलियन हैज वन एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, तो किससे मिला, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको मिला DRDO को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट हाउ मच परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 2019 एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO के द्वारा, फाइनेंशियल ईयर 19 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो कितना रहेगा, तो वो आपका रहेगा 7.2%। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द 6th वुमेन ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2019, ये आपका कहाँ होगा, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 19 एज पर द वर्ल्ड बैंक 2019 इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के, ये वर्ल्ड बैंक जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के रिपोर्ट के अनुसार कितना रहेगा इंडिया का ग्रोथ रेट, तो उसके अनुसार रहेगा 7.3। नेक्स्ट है आपका, द कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप बिल 2019 सीक्स टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये मिलेगा आपका बांग्लादेश पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को के जो भी वहाँ से बिलोंग करते हैं उनको नॉन मुस्लिम। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हेड ग्लोबल सोलर काउंसिल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली बार बनाया गया है फर्स्ट इंडियन टू हेड ग्लोबल सोलर काउंसिल, तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये है प्रणव आर मेहता। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री हैज़ बिन नेम्ड एज द होस्ट ऑफ 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशन, कौन किस कंट्री में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका इजिप्ट में। नेक्स्ट है आपका, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वेव वंडर वुमेन कैंपेन इन कोलेबरेशन विद विच ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च करेगी वेव वंडर वुमेन कैंपेन, तो ये करेगी आपका ब्रेक थ्रू इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर। नेक्स्ट है आपका, गंगा जल प्रोजेक्ट विच इज न्यूज रिसेंटली इज लॉन्च इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी, जो अभी रिसेंटली गंगा जल प्रोजेक्ट चर्चा में है, न्यूज में आपने सुना होगा, तो ये किस सिटी में लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आगरा में। नेक्स्ट है आपका, इंडिया लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज हैज ओपन इन विच ऑफ द फ्लोइंग, जो इंडिया लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज है सस्पेंशन, तो ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो ये आपका सिक्किम। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट एवर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग एट द लेवल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बीच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, तो ये किया जाएगा आपका उज्बेकिस्तान में।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द इंडिया रैंक एट द ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना था, तो ये था आपका 41। तो ये थे आपके 10 तारीख तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट से, जो कि आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको आप लोग देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट के लिए। आने वाले दिनों में मैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी डाल दूंगा, तो ये पूरे मंथ का हो जाएगा। ये आपका 1 से 10 जनवरी तक का था। तो देखने के लिए